ढेंकेनाल और इसके साथ साथ अंगूल और तालचेर जैसे जिला में जहां युवा फुटबॉल के माध्यम से अपने जीवन के दर्शन को लाभ कर सके और उड़ीसा के इस भाग के लोगों को फुटबॉल के द्वारा जीवन में उन्नति हो, इस कारण से आज पहली बार उड़ीसा में भारत के सर्वश्रेष्ठ 8 फुटबॉल टीम आए हुए हैं। आप जानते हैं आज जो टीम खेल रही है उड़ीसा के स्टेट टीम यानी कि उड़ीसा प्रदेश टीम जब संतोष ट्रॉफी नेशनल चैंपियनशिप के लिए जाती है, जहां पर जो प्रस्तुति जो खिलाड़ी खेलते हैं उसी खिलाड़ी आज इस मैदान में ढेंकेनाल मैदान में खेलने आए हैं। दूसरी तरफ मुंबई के चैंपियन कई बार आई लीग खेले हुए हैं केकरे फुटबॉल क्लब, वो भी यहाँ पर आए हैं खेलने के लिए। इसके अलावा आप जानते हैं गोवा से, दिल्ली से, पंजाब से, कश्मीर से और नॉर्थ ईस्ट के मणिपुर से भी अच्छे टीम जो कि भारत के सर्वश्रेष्ठ टीम माना जाता है, इस स्तर के टीम आज उड़ीसा के भूमि में खेलने आए हैं। इस कारण मैं समझता हूँ आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी का एक बहुत बड़ा भूमिका है और इस यहाँ के हर बच्चे इससे फुटबॉल से जो बेनिफिटेड होंगे, लाभवान होंगे, मैं ऐसा समझता हूँ। और भारतीय फुटबॉल संघ के तरफ से बाजीराव फुटबॉल कप को जिस तरह अच्छे से अच्छे खेलकर यहाँ के लोकल खिलाड़ी भारत के सर्वोच्च स्तर पर खेल सके उसकी भी व्यवस्था की जाएगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। मैं आप सभी को आज इस टूर्नामेंट में आने के लिए अभिनंदन और धन्यवाद देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार। ओडिशा साहित्यर माटी, ओडियां को रक्तरे साहित्य, साहित्य ही समाज रो प्रतिबिंब। गल्प, कविता, प्रबंध, रम्य रचना और अनुवाद साहित्यर एमिती अनेक कृति को नहीं आमर ए विशेष कार्यक्रम कथा साहित्यर।